Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Ummeed karti hu ki sab bachcho ne pichla lesson properly learn kar liya hoga, words meaning likhe honge aur words learn bhi kiye honge. Aaj ka hamara English ka lecture number 11 hai aur aaj ki hamari diary hai unit number 4 ke jo hai questions answer jo humne learn karne aur write karne hai part A1 ke A se leke H tak. Sab bachche jo hai wo apni register book पेन मार्कर और स्केल अपने पास रखें और जिस तरह आप लोगों को फुल प्रेजेंटेशन के साथ काम करवाना सिखाया गया है वैसे ही आप लोग करेंगे. जहाँ जहाँ कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स भी आप लोग नोट करेंगे. अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट फ्रेज डज द ऑथर यूज टू स्टार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू शो द रीडर दैट ही हैज़ पास टाइम हैज़ पास सॉरी कौन सा फ्रेज है जो रीडर ने इस्तेमाल किया है जिससे हम लोगों को पता लग रहा है कि वक्त जो है वो गुजर चुका है. इसका आंसर है द ऑथर यूजेज अ फ्रेज नियरली अ ईयर लेटर. नियरली अ ईयर लेटर जो है वो आप लोग जो है मार्कर से लिखेंगे और उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा हु वर द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम एंड हाउ डिड द विटनेस फील अबाउट ईच ऑफ देम कि जो कौन लोग थे जो क्राइम में इन्वॉल्व थे और जो विटनेस है यानी मुलाजमा है उसको उनको देख के कैसा रिएक्शन था. अब हमने पढ़ा था जैसा कि मुलाजमा को जो है मिस्टर हाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं था और दूसरा थोड़ा अच्छा मैनर्स वाला पर्सन उसको लगा था. आंसर है इसका द टू मैन इन्वॉल्व इन द क्राइम वर द विक्टम. विक्टम कौन था सर डेनवर स्कैरियो यानी जिसका मर्डर हुआ था जो मजनून था मकतूल था. टू हम लोग मार्कर से लिखेंगे और सर और डेनवर्स का डी और कैरियो का सी हम लोग मार्कर से लिखेंगे. एंड द क्रिमिनल और क्रिमिनल कौन था मिस्टर हाइट. मिस्टर हाइट जो थे वो क्रिमिनल थे. द मेड डिड नॉट लाइक मिस्टर हाइट. मेड को जो है मुलाजमा को मिस्टर हाइट पसंद नहीं थे. द मेड डिड नॉट सॉरी द मेड एडमायर्ड डेनवर्स कैरियो फॉर हिज वेरी प्रीटी मैनर्स. जो मुलाजमा थी वो उनके मैनर्स की वजह से मिस्टर कैरियो को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. ये दो दफ़ा लिखा गया है ये एक दफ़ा आप लोग बस लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन सी है हमारा विच टाइप ऑफ एनिमल इज द एंग्री मर्डरर कंपेयर टू. किस जानवर से जो है वो मर्डरर को कंपेयर किया गया था. हम लोगों ने पढ़ा है ये रीडिंग में एंग्री मर्डरर इज कंपेयर टू एन एप. एक बंदर से उसको जो है उसका मुकाबला किया गया उसका मुवाजना किया गया है जो कि एप जो होते हैं वो बहुत घुसीले बंदर होते हैं. व्हाट इज मिस्टर अटरसन्स प्रोफेशन. मिस्टर अटरसन का पेशा क्या था वो क्या काम करते थे. आंसर है इसका मिस्टर अटरसन इज अ लॉयर. मिस्टर अटरसन एक वकील हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें व्हाट वाज मिस्टर अटरसन्स रिएक्शन टू हियरिंग अबाउट द क्राइम एंड सीइंग द वेपन. उन्होंने हथियार को देख के कैसे जो है रिएक्ट किया था और क्राइम को देख के कैसे किया था. मिस्टर अटरसन क्वेल्ड वन हीयर्ड मतलब वो हैरान परेशान रह गए थे जब उन्होंने सुना अबाउट द क्राइम एंड सॉ द वेपन और जब उन्होंने हथियार देखा. ही लुक्ड सीरियस वो संजीदा दिखाई दिए एंड फेल्ट ग्लूमी और दुखी दिखाई दिए. एंड जो है वो रिमूव हो गया एंड आएगा वहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ओल्ड वुमेन हु वर्क फॉर मिस्टर हाइट. हम उस औरत के बारे में क्या सोचा देख के जो मिस्टर हाइट के लिए काम करती है. शी इज़ डिस्क्राइब्ड एज एन ओल्डर वूमेन हु हैड एन इवल फेस स्मूथ बाय हिपोक्रेसी. इवल और हिपोक्रेसी मार्कर से लिखेंगे. बट हर मैनर्स वर एक्सीलेंट. शी हैज़ अ फ्लैश ऑफ हेटफुल जॉय ऑन हर फेस व्हेन शी रियलाइजेस दैट मिस्टर हाइट माइट बी इन ट्रबल. कोई भी मुलाजिम जो होता है वो अपने मालिक के लिए जो है वो परेशान हो सकता है जब उसको ये पता लगे कि उसका मालिक जो है किसी परेशानी में हो सकता है क्योंकि अभी उसको पता नहीं था कि उसके मालिक ने किया क्या है. वाई विल इट बी डिफ़िकल्ट फॉर द इंस्पेक्टर एंड मिस्टर अटरसन टू फाइंड मिस्टर हाइट. मिस्टर हाइट और मिस्टर हाइट को ढूंढना क्यों मुश्किल हो गया था. हमने पढ़ा है कि उनको जो है कोई भी नहीं जानता था हत्ता कि उनके घर की मुलाजमा ने भी दो महीने से उनको नहीं देखा था.
It would be difficult for them because few people knew him and he had no family, had never been photographed and had not been seen often. और ऐसा क्यों था मैंने आपसे बताया था, क्योंकि एक डॉक्टर था, साइंटिस्ट थे, जिसने उसकी बॉडी में जो है फिजिकल अपीयरेंस में चेंजिंग की थी किसी मेडिसिन के एक्सपेरिमेंट से, तो इसीलिए जो है वो लोगों के सामने ज़्यादा नहीं आता था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्ड मीनिंग सर्च विगोरियसली इज यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ मिस्टर हाइड्स रूम। के विगोरियसली का मतलब होता है शिद्दत से किसी चीज़ को ढूंढना। जो लेसन में कौन सा वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है, द वर्ड इज रैनसैक्ड। कौन सा लफ्ज है, रैनसैक्ड। रैनसैक्ड जो है वो आप लोग मार्कर से लिखेंगे। इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे जो हैं वो अपना लेसन प्रॉपरली लर्न करेंगे और लिखेंगे भी, और पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।